हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि रियलिटी पर बेस्ड है। मैं बात करने वाला हूं अस्तुर वेब सीरीज की, जो कि जियो सिनेमा पर फ्री पर अवेलेबल है। आप उसे जाकर देखो। विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अपॉर्चुनिटी। चलिए शुरू करते हैं। तो अस्तुर जो वेब सीरीज है वो बहुत दिनों बाद आई है, लगभग सालों बाद आई है, और इस मूवी का वेट बहुत लोग कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी। जब ये सेकेंड सीजन आया और जब हमने देखा तो अलग लेवल का इसमें मजा आया है। और वो मजा क्या है, मैं आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। इसका कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा माइथोलॉजी में। ऐसा लोग कहते हैं कि भविष्य में एक कली नाम का राक्षस होगा और उसको मारने के लिए कल्कि यानी श्री कृष्ण या की श्री विष्णु अवतार लेंगे, कल्कि अवतार, और उस कली को मारेंगे। ये एक माइथोलॉजी में एक कहानी है। अभी ये कहानी कितनी ज़्यादा सच है इसके बारे में तो अभी मैंने पढ़ा नहीं है। बट अब आते हैं फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में कि फिल्म क्या कहती है। तो फिल्म में एक इंसान है जिसका नाम शुभ है, और वो इतना ज़्यादा आगे हो चुका है पढ़कर, या फिर उसका बुद्धि इतनी अलग चल रही है, उसका दिमाग इतनी अलग चल रहा है कि वो अपने आप को कली मान रहा है। वो बंदा अब साइबर एआई इन चीज़ों से डील करता है। इन चीज़ों के थ्रू वो लोगों को पढ़ता है, लोगों को समझता है, और उनकी प्राइवेट चीज़ों को भी देख सकता है। वो बंदा ने अपने घर में एक सुपर कंप्यूटर रखा हुआ है जिसके थ्रू वो सभी को देख सकता है, सभी से बात कर सकता है, बट उसको लोग नहीं देख सकते। लेकिन हमारी जो टीम है अरशद वास्ती और निखिल और बहुत से ऐसे, इन्होंने उसको पकड़ने की पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि ये मिशन, ये जो केस है, ये अब नेशनल केस तो बन चुका है, प्लस इनका पर्सनल केस है। क्योंकि शुभ ने, जो कली का अवतार अपने आप को मान रहा है, इस बंदे ने उनके दोस्त, उनकी बीवी, उनकी बेटी सबको मार दिया है, उनके कलीग उन सबको मार दिया है। तो अब ये पर्सनल एजेंडा भी बन चुका है, पर्सनल केस भी बन चुका है, एंड ये एक नेशनल इशू भी बन चुका है कि इस बंदे ने अकेले के दम पर स्टॉक मार्केट गिरा दिया है। समझ रहे हो कितना ज़्यादा पावरफुल बता। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बुराई चाहे जितनी बड़ी हो, अच्छाई से छोटी ही होती है। तो इस वेब सीरीज में एक ऐसा बच्चा भी है जो एक मिरेकल बॉय है। उसे मिरेकल बॉय बनाया जाता है या होता है, क्योंकि उसके जो शब्द होते हैं उन शब्दों में इतनी पावर होती है कि वो आपको समझ में आएगी। वो लोग उसे कल्कि का अवतार मानने लगते हैं ड्यू टू सम रीजन्स। वो रीजन मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए तो वो देखनी पड़ेगी अशोक डूब। उस 11 साल के बच्चे जो कि कल्कि का अवतार माना जा रहा है, और उस शुभ जो कि अपने आप को कली का अवतार मान रहा है, उसके बीच में होती है विवादों की जंग, विवादों का खेल, जिसमें ऑब्वियसली बात है कली जो है अपनी पूर्ण प्रयास करता है, अपनी सारी ताकत लगा देता है कि कैसे। डाउन द टिप वाला पॉइंट है वो समझाता हूँ कि इसका निचोड़ क्या आता है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, और वो ये है कि भविष्य में, यानी कि आज से कई सालों, हजारों सालों बाद कुछ ऐसा होगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं मॉडर्न डे के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ कि अपना देश बहुत आगे बढ़ जाएगा, प्रवृत्ति कर लेगा, जो भी कर लेगा वो अच्छी बात है। लेकिन माइथोलॉजी के हिसाब से जो कि किताबों में लिखा है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, जब लोग एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, मार धाड़, लड़ाई, खून खराबा, ये चरम पर होगा, चोरी डकैती और भी ना जाने कितनी बुरी चीज़ें अपने चरम पर होगी, तब श्री कृष्ण, तब श्री विष्णु अवतार लेंगे कल्कि के रूप में। अगर आप चीज़ को नहीं जानते तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, दैट इज ट्रुथ। ये लिखा है नियति ने कि जब ये सब चीजें अपने चरम पर होंगी, जैसे कि मान लो खून खराबा, जैसे कि देश में दंगे, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसे कि सरकारें ढह जाएंगी, जैसे कि युद्ध छिड़ जाएगा, ये मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ कि
पूरे वर्ल्ड में भी हो सकता है, और ये मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूँ कि इंडिया में भी हो सकता है। तो जब इतना पाप बढ़ जाएगा, तब कल्कि अवतार होगा, विष्णु जी स्वयं कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और सभी इन सभी चीज़ों को एक समानता, एक संतुलन और एक संतुलन बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी पाप जो है बहुत हाई चल रहा है और पुण्य जो है यानी कि भगवान की तरफ लोगों का रुझाव कम हो चुका है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये एक संतुलन रेखा है। तो अब होगा क्या कि उस समय भगवान को मानने वाले लोग कुछ नहीं बचेंगे और पाप को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा होंगे। तभी कल्कि अवतार होगा, भगवान कृष्ण कल्कि अवतार में आएंगे और वो इन दोनों चीज़ों को समतल करने की कोशिश करेगी, या फिर इन चीज़ों को अपर डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगी कि लोग भगवान के प्रति माने और पाप को कम करें। ये चीज़ लिखी जा चुकी है। अब ये कितना ज़्यादा सत्य है ये मैं अभी नहीं जानता, लेकिन जब ये वेब सीरीज आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली श्योर हो जाएगा। क्योंकि अगर ठीक है, मान लो कि कल्कि अवतार नहीं हुआ, लेकिन पाप तो बढ़ेगा ये तय है, फाइनेंशियल क्राइसिस होगी ये तय है, एआई जो है सबसे बड़ा दुश्मन होगा हमारा ये तय है, आने वाला फ्यूचर फ़ायदा तो करेगा लेकिन उससे कई ज़्यादा नुकसान भी करेगा ये भी तय है। ये चीज़ें आप अभी से याद करो कि आने वाले हज़ार सालों में अभी आप देख रहे हैं AI क्या से क्या कर सकता है, बट इन फ्यूचर जब इस ये अपने चरम पर होगा तो AI बहुत कुछ कर सकता है। वो अकेले के तौर पर अंदर ही अंदर जाकर किसी के बैंक से पैसे ले सकता है, आपकी प्राइवेट चीज़ें चेक कर सकता है, आपको देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, एंड यू कांट डू एनीथिंग। AI अगर अपने चरम पर होगा और लोग भगवान के प्रति कम मानेंगे और ये सारी दिक्कतें आएंगी, कहने का मतलब पाप जब अपने एकदम चरम पर होगा, मतलब एकदम चरम पर, समझ लो कितने चरम पर, एकदम हाई लेवल पर, जहाँ कि प्यार करुणा इन चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, उस टाइम ही श्री कृष्ण कल्कि अवतार पर आएंगे और कल्कि को हराएंगे। लेकिन वेब सीरीज का अंत में एक बात कही गई है जो बात मेरे दिमाग से अभी तक निकल नहीं रही है, और वो ये है कि कल्कि ने कहा वो वहाँ पास नहीं है जहाँ वो रहती थी, नहीं, पहले कल्कि की फ़ोटो होती है जो कि वो अभी हम लोग देखेंगे कितने दिनों से, वो फेस, वो मास्क, पहले उसकी फ़ोटो होती है, देन जब वो उस पेंटिंग को पलटाता है तो उसमें एक चुड़ैल टाइप कोई डीमंस या कुछ भी प्रेत या फिर भूत या फिर कली की कह सकते हो, वो अब इस रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, वो अब इस फेस या इस शरीर पर एग्जिस्ट कर रहा है किसी लड़की के शरीर पर। एंड देन वो जब फिर एक पेज पलटाता है तो उसमें एक और डायग्राम बना है, एक और चित्र बना है, तो दैट मीन कल्कि विल नेवर डाई, वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी चेंज करता रहेगा, अपने आप को बदलता रहेगा और एडवांस होता रहेगा, और जब उसके मरने का दिन आएगा या जब उसकी खत्म होने का दिन आएगा तो वो अपना रूप, अपनी आत्मा, अपनी चेतना, वो दोनों किसी दूसरे के शरीर में डाल देना। तो यही था आज का रिव्यू, आप बताओ मुझे कि आपको कैसा लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आप ये वेब सीरीज जरूर से ज़रूर देखें। मेरी आपसे दिलो तमन्ना है कि आप ये वेब सीरीज जरूर देखें, जियो सिनेमा पर फ्री पर अवेलेबल है, जाओ और देखो एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाओ, एंड एज आई ऑलवेज से तब तक के लिए दिखते रही तस्वीर से।